So hello guys, good evening. In last video, we have learned how to translate affirmative sentence of present indefinite. And today, I am going to teach you how to translate negative sentence of present indefinite. So, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं. आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. नेगेटिव सेंटेंस को हमने दो भागों में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो. एक भाग हो जाएगा जिन वाक्यों में नहीं शब्द आते हैं उनका अलग से रूल बताएंगे हम, और जिन वाक्यों में कभी नहीं आता है उनका अलग से रूल बताएंगे. जिन वाक्यों में नहीं शब्द आते हैं उसका ट्रांसलेट करना सीखेंगे. दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर लिखा जाएगा. पहला आ जाएगा नहीं शब्द आने पर. सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? मैंने ये पहले ही आपको बता रखा है. उसके बाद हमें लिखना होता है नॉट. फिर हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. ये भी मैंने पहले ही बता दिया है कि जिन वाक्यों में डू और डज हेल्पिंग, डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा उन वाक्यों में मुख्य क्रिया के हमेशा पहले रूप मीन्स फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं. ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में अदर या रिमेनिंग वर्ड्स लिख देते हैं हम. तो आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको बनाने का प्रयास करते हैं. टू ट्रांसलेट नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड आफ्टर दैट वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब डू और डज, देन नॉट, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट फॉलोड बाई अदर. आज सावित्री पूजा करने नहीं जाती है. तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी होगी. तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है सावित्री. सो द ट्रांसलेशन विल बी सावित्री. आफ्टर दैट डू और डज अकॉर्डिंग टू, डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो वी हैव टू यूज डज एज हेल्पिंग वर्ब. सावित्री डज, आफ्टर दैट नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. देयर आर टू वर्ब्स. द फर्स्ट वन इज जाना, द फर्स्ट वन इज जाना एंड द सेकेंड वन इज पूजा करना. सो हियर जाना इज द मेन वर्ब. सो गो एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट If there is any secondary verb, then we have to write its first form after to. So, to worship. Worship, object. There is no object. Other word is aaj. So, टुडे एंड इन द एंड फुल स्टॉप. सावित्री आज पूजा करने नहीं जाती है. इस वाक्य का ट्रांसलेशन हो जाएगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है सावित्री, तो सावित्री की अंग्रेजी लिख देंगे सावित्री. उसके बाद हमें सावित्री के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखना होगा. तो सावित्री एक वचन करता है और इसलिए हमें डज लिखना होगा. उसके बाद नॉट लिखना होगा, फिर मुख्य क्रिया के पहले रूप का प्रयोग करना होगा. तो इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, एक है जाना और दूसरा है पूजा करना.
तो मुख्य क्रिया है जाना। जब दो क्रियाएं होती हैं तो जो अंत में आती है उसको मेन वर्ब के रूप में कंसीडर किया जाता है, वेयर एज जो पहले क्रियाएं होती है उसको सेकेंडरी वर्ब के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर जाना मुख्य क्रिया है, तो जाना की अंग्रेजी हमने गो लिख दिया। और जो सेकेंडरी वर्ब होता है सेंटेंस में, उसके पहले हम टू, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके उसको लिख देते हैं। तो पूजा करना का हमने वर्शिप लिख दिया, उसके पहले टू लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर है आज, तो हमने टुडे लिख दिया। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट मींस कर्ता। इस वाक्य में कर्ता है वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी होगी दे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लिखना होगा। सब्जेक्ट है बहुवचन, तो इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू, दे डू। उसके बाद हमें लिखना है नॉट, दे डू नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया के पहले रूप का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड, दे डू नॉट रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी अखबार, तो दे डू नॉट रीड। एंड इंग्लिश न्यूज पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट इज वे लोग, सो वी हैव रिटेन दे। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वी हैव रिटेन नॉट। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज पढ़ना, सो रीड। एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी अखबार, एंड इंग्लिश न्यूज पेपर, एंड देन फुल स्टॉप। सो दिस इज द ट्रांसलेशन। अगला उदाहरण है मैं उसका छाता नहीं चुराती हूं। सो द ट्रांसलेशन विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज मैं, देन आई। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब विद आई वी विल यूज डू एज हेल्पिंग वर्ब, देन डू। आफ्टर दैट नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब चुराना स्टिल, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज उसका छाता, देन हीज अम्ब्रेला। एंड देन फुल स्टॉप। इफ उसका इज रिफर टू एनी फीमेल, देन वी विल यूज हर इन प्लेस ऑफ हीज। अगर उसका का संबंध किसी स्त्री से होगा तो हम हीज के स्थान पर हर का यूज करेंगे। सो सबसे पहले हमने कर्ता की अंग्रेजी लिखी, कर्ता है मैं, तो मैं का हो जाएगा आई। उसके बाद आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू, क्योंकि बहुवचन कर्ता कंसीडर किया जाता है। उसके बाद नॉट लिखना है तो हमने नॉट लिखा। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है चुराना, तो चुराना की अंग्रेजी हमने स्टिल लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म हो गया इसका। उसके बाद ऑब्जेक्ट है उसका छाता, तो हीज अम्ब्रेला। अदर नहीं है तो हमने क्या कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। ये हुए आपके एग्जाम्पल।